हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रितेशा फन वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने लास्ट कुछ वीडियोस में 3D फिगर्स किए थे, 3D थ्री डायमेंशनल फिगर्स, जैसे कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर एंड प्रिज्म। तो आज हम उसी का एक न्यू कंसेप्ट लेकर आए हैं, रोल, स्लाइड एंड स्टैक। बट इस वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर एंड लाइक माई वीडियोज एंड ऑल्सो प्रेस वेल आइकन बटन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू कंसेप्ट, रोल, स्लाइड और स्टैक। देखिए कि जैसे इस फिगर में ये एक बॉल है जो कि रोल कर रही है, ऐसे गोल 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 गोल। तो रोल, उसको इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रोलिंग। रोलिंग होने के लिए हमारा जो फिगर होगा, जो हमारे शेप्स होंगे, उसके पास एक कर्व सरफेस होना मस्ट है, जैसे कि स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया। स्लाइड, स्लाइड का मतलब होता है कि स्मूथली हम ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे कोई सरफेस है, इसको हम स्मूथली 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 ऐसे लेकर जा रहे हैं। अगर हमें स्लाइड किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ को कराना है, किसी भी शेप को कराना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फ्लैट सरफेस होना, जैसे कोन है, कोन में हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है, कर्व सरफेस है, तो कोन कैन स्लाइड। स्टैक, स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर रखना। तो स्टैक का मतलब, स्टैक तब हो सकता है जब हमारे पास दो फ्लैट सरफेस हैं, जैसे कोन है, कोन के एक फ्लैट सरफेस है, लेकिन हम एक के ऊपर एक नहीं रख सकते कोन को। बॉल है, ये स्फीयर है, स्फीयर को भी हम स्टैक नहीं कर सकते। तो इसी के साथ अब हम आगे देखते हैं, जैसे हमने पहले लिया क्यूब, क्यूब हैव ऑल फ्लैट सरफेस, तो क्यूब कैन स्लाइड और स्टैक बट इट कैन नॉट बी रोल्ड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ऑल्सो हैव ऑल फ्लैट सरफेस, तो इट कैन बी रोल बट इट सॉरी इट कैन नॉट बी रोल, ये रोल नहीं हो सकता, बट इट कैन बी स्लाइड और स्टैक। स्फीयर, स्फीयर क्या है, सारे कर्व सरफेस, तो इट कैन ओनली रोल, इट डजेंट स्लाइड और स्टैक। नेक्स्ट इज कोन, कोन के पास हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है और एक कर्व सरफेस है, तो इट कैन ओनली रोल एंड स्लाइड बट इट कैन नॉट बी स्टैक। स्टैक होने के लिए हमारे पास दो फ्लैट सरफेस होना मस्ट है। देन वी कम टू सिलेंडर, सिलेंडर के पास देखिए दो कर्व सरफेस, दो फ्लैट सरफेस है, एक कर्व सरफेस है, तो दिस इज ओनली शेप दैट कैन बी रोल, रोल, स्लाइड एंड स्टैक। नाउ प्रिज्म, प्रिज्म हैव ऑल फ्लैट सरफेस बट इट हैज फ्लैट सरफेस, ओनली वन फ्लैट सरफेस, इट द टॉप ऑफ इट इज नॉट ए फ्लैट सरफेस, तो इट कैन ओनली स्लाइड, इट कैन नॉट बी स्टैक, रोल एंड स्टैक। जैसा कि हमने रोल की अभी डेफिनेशन में पढ़ा था, इट शुड हैव द फ्लैट सरफेस, तो अब देखिए किस किस, इट शुड हैव कर्व सरफेस, तो किस किस के पास कर्व सरफेस है, अगर हम देखिए रोल वाली लाइन पढ़ते हैं, स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर, ओनली दीज थ्री कैन बी रोल्ड, हम इसको अगर इस तरीके से करते हैं। स्लाइड के लिए वन फ्लैट सरफेस चाहिए था, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, कोन के पास है, सिलेंडर के पास है, प्रिज्म के पास, तो दीज फाइव कैन स्लाइड। स्टैक के लिए दो कर्व सरफेस, दो फ्लैट सरफेस होनी चाहिए अपोजिट साइड पे, तो आप देखिए क्यूब, क्यूबॉइड स्फीयर में नहीं है, कोन में नहीं है, सिलेंडर में है, प्रिज्म। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रोल, स्लाइड एंड स्टैक। सो फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर एंड लाइक माई वीडियोज। बाय, लव यू।